और केवल उन बच्चों के लिए बनाया है जो बच्चे फेल हो गए हैं। तो अगर आप भी उनमें से, तो वीडियो जरूर पूरा देखना। सबसे पहले तो उनसे एक बात कहना चाहूंगा यार, देखो आप अगर फेल हो गए ना, फेल 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 का मतलब समझो यार, फेल का मतलब हुआ कि एक अपॉर्चुनिटी मिली यार आपको दोबारा से कुछ नया करने की, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, समझ लो, समझ लो फेलियर का मतलब, समझ लो यार। सबसे पहले आपको क्या लगता है यार, फेलियर, फेल होना एक ब्लैंक हो गया, करियर खत्म हो गया, करियर खत्म नहीं हुआ है, जिंदगी खत्म नहीं हुई है, जिंदगी खत्म नहीं हुई है आपकी, आपका करियर ब्लॉक नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आप एक बार गिरे हो और गिरने के बाद मरा नहीं जाता है, गिरने के बाद उठा जाता है दोबारा से, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं, तब जाके इंसान एक अच्छा और एक्सपीरियंस वाला बनता है और सक्सेसफुल पर्सन बनता है। आपको सबको पता है ना, आपके माँ बाप ने भी कितनी परेशानियां झेली हैं, आपको आपकी माता ने भी कितनी परेशानियां झेल कर आपको पैदा किया है, तो आप क्या सोच रहे हो एक छोटी सी परेशानी है, एक छोटा सा फेलियर आया हम आप जिंदगी खत्म कर लोगे, आप आपका करियर ब्लैंक हो गया, नहीं, करियर ब्लैंक मार्क्स से नहीं होता है, आपकी सोच से होता है, समझा रहा हूं मैं, फिर से समझा रहा हूं, करियर ब्लॉक आपके मार्क्स से नहीं आपकी सोच से होता है। तो सबसे पहले अपने आप को डिसीजन करना है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मैंने आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है, और बढ़ने के लिए क्या करना है, जो गलतियां पहले आपने की थी उन पे इंप्रूवमेंट करनी है आपको, दोबारा से उस गलती को दोबारा से आपको करना नहीं है, आपको दोबारा से रिप्ले नहीं करना है उसका, आपको दोबारा से रिप्ले करना ही नहीं है उसका, आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी गलतियों पर लगाम लगानी है, उन गलतियों में इंप्रूवमेंट करनी है, कहां क्या कमी रह गई उस पर इंप्रूवमेंट करनी है, समझ लो ना बात को। और दूसरी बात, आपको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं, जहां आपने कंपेयर किया अपने आप को नीचा पाया, जिस दिन आप कंपेयर करोगे अपना कॉन्फिडेंस लेवल गिराओगे, अपना मनोबल तोड़ोगे, बता रहा हूं मैं आपको, कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा, मनोबल टूट जाएगा आपका। तो इसलिए कंपेयर मत करना किसी से, आपका फेलियर है आपको स्वीकार करना पड़ेगा, कोई दूसरा स्वीकार नहीं करेगा, बता रहा हूं मैं आपको, आपका फेलियर है आपको स्वीकार करना है, आपको उठना है, बता रहा हूं फिर बता रहा हूं, आपको उठना है और उठकर फिर चलना है, गिरने के बाद मरा नहीं जाता है, उठा जाता है फिर चला जाता है, एक बार गिरते हैं फिर उठते हैं, चींटी देखिए, चींटी चींटी दीवार पर चढ़ती है, एक बार गिरती है फिर उठती है, फिर चलती है फिर चढ़ती है फिर गिरती है, फिर चढ़ती है फिर गिरती है फिर चढ़ती है, और एक बार क्या करती है, पूरी दीवार क्रॉस कर जाती है। तो ऐसे ही आपके साथ हो रहा है, परेशानियां आएंगी, उन परेशानियों से लड़ना है, परेशानियों का मतलब फेलियर्स आएंगी जिंदगी में, फेलियर्स आएंगे जिंदगी में, और ये पहला फेलियर है, इसे स्वीकार करो, एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करो, यार मैं फेल हुआ हूं ना, अब नहीं होगा, अब करके बता फेल, अब करके बता, अब उतरूंगा मैं मैदान में पूरी तैयारी से, पूरी तैयारी से उतरो, पिछले बार तो तैयारी नहीं करी थी मैंने, तैयारी से नहीं उतरा था, इस बार तैयारी से उतरूंगा, सारे हथियार लेकर आऊंगा, तब जाके आप क्या होगे, पास होगे अच्छे नंबर। फिर बोल रहा हूं ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपकी लाइफ खराब हो जाए, आपका करियर ब्लैक हो जाए, या फिर आपके माँ बाप की बेइज्जती हो, आपके माँ बाप को शर्मिंदगी उठानी पड़े, ऐसा कोई काम मत करना, आप बात समझा रहा हूं फिर से आपको, ठीक है। और दूसरी बात, आपको क्या लगता है फेलियर जो होते हैं वो सिर्फ आपके साथ हो रहे हैं, सक्सेसफुल पर्सन है उनके साथ कोई फेलियर्स नहीं हो, उनके साथ भी फेलियर्स होता है, जो सक्सेस हो चुके हैं, जो टॉपर्स हो चुके हैं, वो भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं फेल हुए थे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में उन्हें परेशानी आई थी, तब जाके उन परेशानियों को दूर किया उन्होंने और परेशानियों से लड़ लड़ के एक सक्सेसफुल पर्सन बने, समझ रहे हो बात। इस तरीके से आपको पूरी स्ट्रेटेजी बनानी है और उस स्ट्रेटेजी पे काम करना है, आई बात समझे, और काम नहीं करोगे ना तो फिर से फेलियर देखना पड़ेगा, फिर फेलियर देखना पड़ेगा। और एक बात और बोल रहा हूं, अगर फिर से फेलियर देखने को मिले कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो यार, एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्सेप्ट आप नहीं करोगे तो जिंदगी आपको एक्सेप्ट कराएगी, जबरदस्ती कराएगी आपको एक्सेप्ट, और आप कभी कभी ऐसा होता है बंदा एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, अपनी जिंदगी खराब कर लेता है। तो एक्सेप्ट करना सीखो, चाहे वो फेलियर हो चाहे वो आपकी विनिंग हो, आप चाहे जीत रहे हो चाहे आप हार रहे हो, एक्सेप्ट करना सीखो। और दूसरी बात, कोई बंदा अगर हार जाता है ना तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो खत्म हो गया है, उसका मतलब यह है कि उसका एक कदम पीछे हो गया है, आपको दोबारा से प्रिपेयर करेगा अपने आप को, दोबारा से अपने आप को अच्छा बनाएगा, तब जाके वो फिर से दोबारा फाइट करेगा और उस फाइट में जरूर जीतेगा। तो सबसे पहली बात, आपको क्या करना है, कंपेयर नहीं करना है। दूसरी बात, आपको किसी से कोई मतलब नहीं, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना है, ऐसे बंदों से हमेशा दूर रहना है जो बंदे आपके कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे गिराएंगे, और दोबारा से फिर से उठना है, मैदान में फिर से लड़ना है, फिर से तैयारी करनी है, एग्जाम देने हैं और अच्छे से प्रिपेयर करके और एक अच्छा करियर बनाना है, समझ गए।
मेरे बात को। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो बात मैं आपको समझा रहा था। आई थिंक आप अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे से अपने मार्क्स लेकर आएंगे, एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे और धमाल करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।